न्यूज में हम फिर हाजिर हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खास खबरों के साथ। बागेश्वर जनपद की नवांगतुक जिला अधिकारी अनुराधा पाल ने कार्यभार संभालने के बाद पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि जनपद में स्थायी व अस्थायी अतिक्रमण हटाने के लिए कार्यवाही की जाएगी। साथ ही कहा कि उनका प्रयास होगा कि ग्रामीणों को कार्यालय के चक्कर न काटने पड़े, इसके लिए उनकी समस्याएं ऑनलाइन सुनने के प्रयास किए जाएंगे। तहसील कार्यालय सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में जिलाधिकारी ने कहा कि उनकी प्राथमिकता होगी कि जनपद के पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाए व नए पर्यटन स्थलों को भी विकसित किया जाए। जिलाधिकारी ने जनपद में कानून व्यवस्था सुदृढ़ रखने, छोटे गाँव को संचार सुविधा प्रदान करने के लिए ठोस प्रयास करने की बात कही। वहीं जिले में कानून व्यवस्था मजबूत करने की भी बात कही, साथ ही पत्रकारों के साथ बेहतर तालमेल की भी बात कही। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हाँ, जनता को मैं मैक्सिमम अपनी जितनी भी जो भी सेवाएं मैं दे पाऊँ और वहाँ की समस्याओं को, चाहे छोटी से छोटी समस्या हो बड़ी से बड़ी समस्या हो, उसका हर संभव समाधान करने का प्रयत्न करूँ। कुछ इशूज़ मुझे जहाँ के जो पता चले हैं वो इशूज़ को मैं एड्रेस करने की कोशिश करूँगी, चाहे वो अतिक्रमण को लेकर हो या फिर जाम की समस्या हो, ट्रैफिक की समस्या हो, गड्ढा मुक्त सड़कों वाली बात हो, पॉलीथीन इशूज़ हैं हमारे, एंड इसके बाद हमारा खनन, अवैध खनन के कुछ मुद्दे उठे हैं, इस तरह के छोटे छोटे जो मुद्दे आए हैं उनको पूरी तरह से एड्रेस करूँगी। दूसरी बात ये है, जो जनता हमारी दूर दराज की जनता है, जहाँ तक जो जनता को प्रशासन तक पहुँच सुनिश्चित नहीं होती है, तो उनकी हम डिजिटली भी पहुँच सुनिश्चित कराएंगे, और जो जनता दरबार पहले से नहीं होता था वो जनता दरबार हम दोबारा से शुरू करेंगे। तीसरी बात जो है, यहाँ पर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को कैसे बढ़ाया जाए यहाँ पर, ताकि रोज़गार के और आजीविका के नए साधन हो, उसके लिए एक डिपार्टमेंट्स की मैंने छोटी सी ब्रीफ मीटिंग करी है, जिसमें मुझे कुछ चीज़ें पता चली हैं कि पर्यटन को लेकर यहाँ पर काफ़ी संभावनाएँ हैं, एग्रीकल्चर को लेकर हम नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्लस उद्योग में हम एक छोटा सा ताम्र उद्योग या उस तरह का भी पहल कर रहे हैं, ये उसको निसंदेह बढ़ावा दिया जाएगा। तीसरा, साहसिक जो मेरा अपना रुचि है, व्यक्तिगत रुचि है स्पोर्ट्स को लेके, जिसमें साहसिक भी आता है और नॉर्मल स्पोर्ट्स भी है, उसके लिए भी निसंदेह बढ़ावा देंगे। ये दो चीज़ें एड्रेस करेगा, क्योंकि एक तो हमारा जो नशे में लिप्त युवा है उनकी जो एनर्जी है वो हमारी दूसरी खेलों की तरफ या अन्य रचनात्मक कार्यों में डाइवर्ट होगी, तो ये ओवरऑल सिटी के लिए भी बहुत फ़ायदा होगा। तो इस कार्य, ये भी मेरे लिए एक अहम चैलेंज भी रहेगा और ये कार्य भी मुझे करना है। और इसके अतिरिक्त बाकी जो जनता की समस्या है वो तो मैं सुलझाऊंगी। एक एक बहुत मेजर इशू हमारा हेल्थ को लेकर है पहाड़ के एरिया में, तो हमारे यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उस पर कितना लोड रहता है कि पर डे की हमारी ओपीडी 300-400 है, तो उसमें क्या क्या सुधार हो सकते हैं, क्या क्या संभावनाएँ हैं, और जितना कितना यथासंभव में डॉक्टर्स मिल पाएंगे, विशेषज्ञ मिल पाएंगे, उनको लाने का प्रयास किया जाएगा, तो ये मेरी रहेगी। दूसरा, जनता से मेरा परस्पर संवाद, चाहे वो मीडिया हो चाहे वरिष्ठ नागरिक हो, उनसे डायरेक्ट संवाद रहेगा, ताकि मुझे यहाँ के इश्यूज़ डायरेक्टली पता चलते रहें और मैं उनको बेहतर तरीके से रिजॉल्व करी है। लेकिन आपने मुझे एक अच्छा आइडिया दे दिया है, तो मैं इसके बारे में एक बार चर्चा कर लेती हूँ कि क्या कैसे हम इस उद्योग को बढ़ावा दे सकते हैं यहाँ पर, और उसकी क्या क्या हमारे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके उसकी क्या क्या प्रोसेस होगी और क्या हमारी यहाँ पर कितनी उसकी वायबिलिटी है, ये सब चेक करके उसको एक बार करेंगे, क्योंकि ताम्र उद्योग यहाँ का पुरातन उद्योग है, उसके लिए तो वायबिलिटी पहले ही चेक हो चुकी है, तो इसलिए उसको मैं कमिट कर सकती हूँ। इसके बारे में ज़रूर मैं इसको एक बार एक्सप्लोर करूँगी कि अगर हो सकता है तो ये हमारे लिए काफ़ी बेहतर साबित हो। क्या जनता दरबार पुनः शुरू पाएगा? हाँ, जनता दरबार पुनः शुरू किए जाएंगे, इनफैक्ट बहुउद्देशीय शिविर भी हम रोस्टर वाइज लगाएंगे दूर दूर के एरिया में, लोग जा पाए और बेहतर रूप से उस वहाँ का पर्यटन बढ़ सके, इसके लिए क्या करें? इसके लिए देखिए, मेरा, मैं खुद एक ट्रैकर हूँ, पिंडारी ग्लेशियर का ट्रैक मैंने खुद किया हुआ है, तो ये एक टेक्निकल चीज़ है, पहले मुझे एक दल भेजना पड़ेगा कि जो उसको सर्वे करके आ जाए, तो निसंदेह मैं इसमें बहुत प्रयास करूँगी। मैंने बताया साहसिक पर्यटन को लेकर, अगर वो मेरा ट्रैक रिस्टोर हो सकते हैं या जा सकते हैं वहाँ पर, तो ये मेरी प्रायोरिटीज़ में से रहेगा, पर उसके लिए मुझे पहले एक सर्वे भेजना पड़ेगा कि क्या स्थिति है क्या नहीं है, क्योंकि वो अभी अनएक्सप्लोर्ड हो गया है, तो दोबारा से उसको एक्सप्लोर करके अगर पॉसिबल हुआ तो हम लोग उसको निसंदेह उसको प्रयास करेंगे।